गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके चलो देखो, हाँ मत दो, देखो एक सिंपल सा लॉजिक है। आपका जो भी आप क्वेरी लेके आए हैं उसमें बस एक सिंपल सा लॉजिक आप अप्लाई करो और आपको सब कुछ सही लगे, आप खुद ही बता दोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल नॉट नीड मी। एक चीज का बस लॉजिकली आप समझो चीजों को, कि देखो दो का स्क्वायर जो होता है ना बेटा, होता है, सुन तो लो पूरी बात, दो का स्क्वायर जो होता है ना वो माइनस दो के स्क्वायर के बराबर होता है, यस और नो? होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता है, बताओ। इस लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेना गलत माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लेंगे तो यहां तो क्या बचेगा, टू, और वहां क्या बचेगा, माइनस टू, तो ये तो अनइक्वल हो गया ना, हुआ नहीं हुआ? अब देखो कहां पे ट्रिक खेली, वो जादूगर होता है ना, कार्ड दिखाता है और फिर देखो सब आपको, आपको लगता है सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, और पता नहीं कब वो खेल खेल लेता है और पता नहीं कहां से कुछ छुपा के ले आता है वो। अब उसने ट्रिक कहां खेली, उसने आपको यहां बोला 4-6, आप बोला यस सर 4-6, उसने कहा 9-15, यस बराबर है दोनों, -6 -6 आ रहा है, ठीक है 4-6, 4-10, अच्छा -6 आ रहा है दोनों जगह, ठीक है 4-10, 4-10 बराबर है दोनों। अब 4-10 प्लस 25/4 एंड हेयर ऑल्सो 9-15 प्लस 25/4, यहां तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर आपने एक्सपेंड किया, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, -10 को लिखा आपने 2 into 5/2, और फिर 25/4 को लिखा आपने 5/2 का होल स्क्वायर। इधर आपने क्या किया, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, -2 into 3 into 5/2, एंड प्लस 25/4 को आपने लिखा 5/2 का होल स्क्वायर, राइट? यहां तक भी सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। अब ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपने इसको पैक कर दिया कैसे, a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, ऐसे, और उधर भी आपने इसको फैक्टराइज कर दिया एक तरीके से, क्या कर दिया, फैक्टराइज 3-5/2 के होल स्क्वायर की। अब अभी तक भी वैल्यू ठीक है, अभी तक भी वैल्यू LHS के RHS के बराबर है। आप ध्यान से देखो 5/2 का मतलब क्या होता है, ढाई, 2.5, तो 2 में से 2.5 जाएगा तो माइनस का 0.5 बचेगा, और 3 में से ढाई जाएगा तो प्लस का 0.5 बचेगा। अब जैसे 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर बराबर होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वी कैन टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ये लेना गलत हो जाता है। इसीलिए जो आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स किया ना, उस स्टेप के बाद आपकी इनइक्वालिटी शुरू हो गई। यहां तक तो इक्वालिटी चल रही थी, यहां तक तो LHS RHS इक्वल चल रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर लिया ना इस स्टेप के बाद में, वहां से LHS RHS अनइक्वल हो गए। ये करना वैसा ही हो गया, ये करना वैसा ही हो गया कि सर 2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर होता है, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेने से 2 बराबर माइनस 2 हो गया, तो गलत हो गया ना, गलत हो गया ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेने से 2 बराबर क्या हो गया बेटा, माइनस 2 हो गया। तो ये जिस तरीके से ये गलत हुआ, उसी तरीके से वो वहां पे गलत हो गया, जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया ना बोथ साइड्स, वहां पे गलत हो गया। तो इसका मतलब है सर हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कब ले सकते हैं, हम तब ले सकते हैं जब स्क्वायर के अंदर वाली क्वांटिटी, स्क्वायर के अंदर वाली क्वांटिटी एकदम क्या हो, एकदम क्या हो, सेम। अब सुनो ध्यान से, तो एक्चुअल तरीका क्या है, एक्चुअल तरीका बेटा ये है, एक्चुअल तरीका ये है, मुझे एक चीज बताना, आप a माइनस बी एंड b माइनस a क्या बराबर होते हैं, होते हैं क्या, नहीं होते ना, पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि दोनों का स्क्वायर बराबर होता है। इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना जरा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसको एक्सपेंड करना जरा, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, दोनों में सेम सेम टर्म्स ही तो हैं। अरे एग्जांपल ले लो यार,
फाइव माइनस थ्री का होल स्क्वायर करना और थ्री माइनस फाइव का, फाइव माइनस थ्री, थ्री माइनस फाइव तो अनइक्वल है बट उनके होल स्क्वायर बराबर है। फाइव माइनस थ्री यानी कि माइनस टू का स्क्वायर, थ्री माइनस फाइव यानी कि माइनस, सॉरी इधर प्लस टू है सॉरी, तो फोर बराबर फोर आ गया है या नहीं है, ठीक है समझ आया बात। तो अब अपने को उधर टू प्लस टू फोर ही करना है, तो पता है क्या करना पड़ेगा, आपके नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, यहां पर आ रही है, यहां पे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, थ्री माइनस फाइव बाय टू पॉजिटिव वैल्यू होती है क्या, टू माइनस फाइव बाय टू पॉजिटिव वैल्यू होती है, नहीं होती है, नहीं होती है ना। तो मैं पता है क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं पता है क्या करूंगा, मैं इसको, इस वाली चीज को फाइव बाय टू माइनस टू का होल स्क्वायर लिखूंगा और उसको अनचेंज्ड, अरे अभी अभी बताया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैं अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है तो 2 माइनस फाइव बाय टू का होल स्क्वायर 5 बाय टू माइनस टू के होल स्क्वायर के बराबर नहीं होगा क्या, इसको ले लो a, इसको ले लो b, ये b ये a, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना, होता है ना, तो मैंने कोई गलती नहीं करी ना, नहीं करी। अब आप कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब आप कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि दो स्क्वायर के अंदर यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू है और वहां पे भी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है करो। तो ये क्या हो जाएगा 5 बाय 2 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, पूरी रिंगटोन सुनाएगा जल्दी बंद कर, 5 बाय 2 माइनस 2 और यहाँ क्या आ गया 3 माइनस 5 बाय 2, इतना करने के बाद क्या ऐड करवा रहे हैं, वो क्या ऐड करवा रहे हैं बताना, लास्ट में लास्ट ही लास्ट में इधर भी और उधर भी प्लस 2 प्लस 5 बाय 2 और इधर प्लस 2 प्लस 5 बाय 2 राइट। तो माइनस क्या हुआ, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, कट गया, 5 बाय 2 प्लस 5 बाय 2 कितना होगा 5 होगा, 5 ही होगा, इधर आ जाओ माइनस 5 बाय 2 प्लस 5 बाय 2 कट गया, 3 प्लस 2 क्या होगा 5 ही हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। कहां पे सही करना था, यहां पे, यहां पे, यहां पे आप बस 2 माइनस 5 बाय 2 के होल स्क्वायर को 5 बाय 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर b माइनस a के होल स्क्वायर के बराबर होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लिया ना आपने, बोथ साइड्स टेकिंग स्क्वायर रूट कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो स्क्वायर से रूट कट गया। और ये काम आप कब कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब रूट के अंदर जो नंबर है ना इसकी वैल्यू के बराबर हो। अभी वैल्यू बराबर नहीं थी, देखो 2 माइनस 5 बाय 2 की वैल्यू 3 माइनस 5 बाय 2 की वैल्यू के बराबर नहीं थी, तो इस स्टेप पे आप टेकिंग स्क्वायर रूट कर ही नहीं सकते। अब नीचे बराबर हो गई, 5 बाय 2 माइनस 2 और 3 माइनस 5 बाय 2 की वैल्यू बराबर हो गई, 5 बाय 2 माइनस 2 भी 0.5 होता है और 3 माइनस 5 बाय 2 भी 0.5 होता है, अब वैल्यू बराबर हो गई, नाउ यू कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो उससे नीचे 2 प्लस 2 5 नहीं आया, 5 इक्वल टू 5 आया, क्लियर है, ठीक है, समझा दोगे अपने टीचर्स को, ओके कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 हो गई ना, कितनी बार कर, वो तो गया 1.4 आइए, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, सबसे फर्जी पार्ट इस एक्सरसाइज, थोड़ी कम कर, हवा की, हवा तो वैसे मौजूद होती है एनवायरनमेंट में, सीधी हवा अच्छी लगती है आपको, एक एक नहीं, मुझे पता नहीं क्यों सीधी हवा आती है ना फेस पे, तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब एनवायरनमेंट में ठंडक रहनी चाहिए, मुझे वो वाली ठंडक पसंद है, एकदम से सीधी हवा आती है पूरा फड़ 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 फड़। अब वो आप कुछ भी समझ लो, नहीं एसी कूलर तो चलो छोड़ो, ये पंखे की हवा भी जो होती है ना एकदम से पड़ती है तो सिर दर्द नहीं करती आप लोगों को, मैं तो सुबह तक बीमार हो जाऊं ऐसे सामने सो जाऊं। चलो देखो, देखो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। अब इस साल नया क्या करेंगे, इस साल अपन क्या करेंगे,
कुछ ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में होंगे। कैसे नंबर्स होंगे सर? जैसे 2.12 हो गया, जैसे 3.652 हो गया, जैसे 4.196 हो गया, इस तरीके के नंबर्स। ठीक है, इस तरीके के नंबर्स को नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, शुरू करें। चलो क्या, हाँ चलो बुक को, बुक तो निकालो, मतलब नोटबुक निकालो, नोट काई में करोगे। आपके कब से एग्जाम शुरू हो रहे हैं? एनुअल तो फिर उससे पहले अपने को ये जो छोटे मोटे चीजें बची हुई करनी है ना कवर, वही तो कह रहा हूं। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, देखो क्या कहता है ये, वी कैन रिप्रेजेंट, स्क्रीन पे देखो सब लोग, वी कैन रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर अप टू एनी डेसिमल प्लेस यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। पता इसने क्या कही बात? नहीं पता। इसने ऐसा कहा कि आपके पास ये नंबर लाइन होती है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं लाइक 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन चलता रहता है। मैंने कहा 2 को रिप्रेजेंट करो, आप इसके ऊपर एक इसको मार्क कर दोगे, इसको हाईलाइट कर दोगे। जैसे मैंने कहा कि 2 को रिप्रेजेंट करो, तो इस तरीके से आप 2 को रिप्रेजेंट कर दोगे, पॉइंट डाल दोगे ए। मैंने कहा कि 1 को रिप्रेजेंट करो, आप डाल दोगे सर बी, बी से रिप्रेजेंट हो गया 1। मैंने कहा -2 को करो, आप कर दोगे सी। तो वेरी इजी, इस तरीके से कर सकते हो। बट मैंने कहा 2.5 को करो, तो आपको वो भी कौन सी बड़ी बात है सर। आप ऑब्वियसली जब नंबर लाइन बनाओगे तो आप ग्राफ शीट पे बनाओगे। किस पे बनाओगे बच्चों? ग्राफ शीट। तो ग्राफ शीट पे एक एक सेंटीमीटर होता है हमारे पास, तो एक एक सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइनें और होती हैं, होती ही नहीं होती हैं। तो उसमें पांचवें नंबर की लाइन को पकड़ लोगे, सर ये रहा हमारा 2.5, क्या बात करते हो आप, कर नहीं सकते क्या? हम कर लिया। मैंने कहा एक काम कर, 2.55 अब कर। फिर आप क्या करोगे, 2.5 और 2.6 के बीच में जो लाइन है ना, उसके बीच में पहुंचोगे, ये लो सर हमने वो भी कर लिया। इतनी शार्प पेंसिल ही नहीं कर पाते कि जस्ट उसके बीच में पहुंच जाए। और मैं तो फिर आपकी हालत और खराब कर दूंगा, मैं कहूंगा अब कर, अब कर, तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन 3 डेसिमल प्लेस तक है आपके कोर्स, है ना। वैसे तो होने में, मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ उससे तो आप कितने भी डेसिमल प्लेस का कर सकते हो, जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे उतना लेंदी सॉल्यूशन हो जाएगा, बस बात हुआ है। लेकिन हम करें कैसे, है ना, 3 डेसिमल प्लेस तक तो आपके एग्जाम में दे सकता है, मतलब उसको अधिकार है आपके कोर्स में। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफाई करना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्निफाइंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्निफाइंग? नहीं आया समझ? आपने वो देखा, एक मैग्नीफायर ग्लास होता है, बस। तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ छोटे से कण है, अपन उसमें देखते हैं तो वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, और थोड़ा नजदीक जाते हैं और बड़े दिखाई देते हैं, और थोड़ा नजदीक जाते हैं फिर और थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, फिर और थोड़ा नजदीक जाते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। समझ में आ रही है बात? तो मैग्निफिकेशन का मतलब समझ में आ गया, लेंस के थ्रू उसको मैग्निफाई करना। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? लगातार। तो ये पता है क्या कहेगा? ये कहेगा कि जैसे पहला नंबर है 3.765। क्या है नंबर? 3.765। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो 3.765 जो नंबर होगा, मुझे बताओ 3 और 4 के बीच में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब आपको नंबर लाइन बनाने के बाद, अगर सपोज करो आपने ऐसी नंबर लाइन बना दी 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो मुझे बताओ ये सारे नंबर्स जो हैं ये तो आपने वेस्ट ही इसमें रिप्रेजेंट कर दिए। इनका कोई यूज है क्या? इन नंबर्स का कोई यूज है क्या? आपको पता है कि नंबर मेरा इसके इसके बीच में है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑल दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन? कोई यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे ही नंबर लाइन ही ऐसी बनाएंगे जिसमें पहला पॉइंट 3 होगा और दूसरा पॉइंट, मतलब लास्ट पॉइंट, सॉरी, पहला पॉइंट 3 हो गया और लास्ट पॉइंट क्या होगा? 4। और इसके बीच के जो नंबर्स होंगे, जैसे अपन 1, 2, 3 मार्क कर रहे हैं, अपन इसके बीच के नंबर्स मार्क करेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 अप टू 4। समझ आया? तो मैं नंबर लाइन वो वाली नहीं बना रहा हूं, मैं नंबर लाइन ये बना रहा हूं। पहला नंबर ही 3, आखिरी नंबर 4, 10 सेंटीमीटर लंबी एक नंबर लाइन खींचेंगे ऑन योर ग्राफ शीट्स।
और फिर एक एक सेंटीमीटर में मार्क करेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 8, 9 और लास्ट वाला 10 पे सीधा 4 आ जाएगा। 3.10 मतलब 4 हो गया ना, 3.9 के बाद 3.10, 3.10 मतलब एग्जैक्ट 4 हो गया। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब नंबर क्या है मेरा, 3.1, एक डिजिट पकड़ो क्या है 7, तो आप सीधे आ गए 7 पे, आ गए 3.7 पे आ गया। अब 3.7 के बाद जो नंबर आ रहा है 65, होना हो ये 3.7 और 3.8 के बीच का नंबर है या नहीं है, है ना? तो मैं क्या करूंगा, देखो ऐसे 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 इधर मेरी तरफ देखो, 3.7 और 3.8 के बीच का नंबर है, एक हाथ से पकड़ूंगा 3.7 को, एक हाथ से पकड़ूंगा 3.8 को और ऐसे उसको मैग्नीफाई करूंगा, तो उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकल गए 3.71, 3.72, 3.73, 4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, समझ आया? इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन, लगातार बार बार मैग्नीफाई कर रहे हैं, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। जूम करेंगे फिर, जैसे अपन स्क्रीन मोबाइल फोन की स्क्रीन चलाते हैं, जैसे कोई फोटो देखनी होती है, अच्छा मेरी फोटो है, उसको से जूम करोगे आप, फिर और जूम करोगे, फिर और जूम करोगे, तो आप पूरा उसके अंदर बिल्कुल कण कण में चले जाओगे, अच्छा मेरे यहाँ दाग लग रहा था उस टाइम, मेरे को पता ही नहीं था ये कौन मच्छर बैठा था शायद, हाँ समझ आया, अच्छा मेरे दांत पे कैविटी लग रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस तरीके से अपन देखते हैं, समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो अब जो नई नंबर लाइन बनेगी, स्टेप नंबर वन में जो नंबर लाइन बनी उसका पहला पॉइंट 3 था और लास्ट पॉइंट क्या था 4, अब जो नई नंबर लाइन बनेगी उसका पहला पॉइंट कौन बनेगा 3.7 और दूसरा पॉइंट कौन बनेगा, कैसे पता लगाएंगे, 3.7 और जस्ट उसके अगला, 3.7 और जस्ट उसके अगला, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आ गया मेरा, मैग्नीफाइंग द नंबर्स, मैग्नीफाइंग द नंबर्स बिटवीन 3.7 एंड 3.8, वी विल गेट द फर्स्ट नंबर इज 3.7, यू कैन क्लियरली सी, एंड द लास्ट नंबर इज 3.8, करो पकड़ो मैग्नीफाई करो, सो यू विल गेट 10 मोर नंबर्स, 3.71, 3.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड द लास्ट नंबर विल बी 3.8, राइट? क्लियर यहां तक? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब मेरा नंबर क्या था, 3.765 था, राइट? तो 76 तो यहां पे रिप्रेजेंट हो पा रहा है, हो पा रहा है, लेकिन आगे एक और है 5, तो अब होना हो ये नंबर इसके और इसके अगले के बीच में होगा, पकड़ो वापस 3.76, किसको पकड़ोगे वापस 3.76 और किसको पकड़ोगे, पकड़ोगे और उसको जूम करोगे, तो उसमें से 10 छोटे छोटे बच्चे और कौन से निकलेंगे बताओ, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 एंड सो ऑन, ऐसा करते करते 10 छोटे छोटे नंबर्स और निकलेंगे, निकलेंगे या? देखो नीचे निकल चुके होंगे, ये लो 3.76 को और 3.77 को मैग्नीफाई किया, दोबारा लगातार मैग्नीफाई कर रहा हूं, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो कौन कौन से 10 नंबर्स निकले, 3.761, 3.762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 और 769 के बाद 770 आना चाहिए, बताओ अगला नंबर क्या आना चाहिए 769 के बाद, 770, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यानी नंबर क्या आ गया वो 3.77। अब आपको एग्जैक्टली वो नंबर मिल गया जिसकी आपको तलाश थी, इसको आप कोई भी पॉइंट का नाम दे देंगे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, और आप लिख दोगे कि ये जितने डेसिमल प्लेस है उतनी बनानी पड़ेगी, 3 डेसिमल प्लेस, या फिर अगर उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन देना है, पूरी जान निकालनी है, तो 4 डेसिमल प्लेस भी वो दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं देगा, डोंट वरी। 3 तो कोर्स में ही है, 3 के तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही है, बट वो कोई आपसे खुन्नस खा के बैठा हो कोई टीचर तो 4 भी दे दे, 4 भी है बस, तो फिर तो 4 भी है तो 4 भी आएगा, 4 भी है तो फिर 4 ही मान के चलो, 4 ही आएगा अगर क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो लास्ट में एक स्टेप लिख दूंगा मैं, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट 3.765 ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी, ठीक है, बस एक्सरसाइज खत्म। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर्स ऑन द अप टू 4 डेसिमल प्लेस कह दिया ना उसने, तो 2.6 वापस 2.6, अगर 3 डेसिमल प्लेस तक कहता तो क्या कौन सा नंबर लेते अपन, केवल 2 ले लेते, तीसरा डेसिमल प्लेस ले लेते, 4.262। भाई 4.26 को आप कैसे एक्सपेंड करोगे बोलो गायत्री, 4.26 इनफाइनाइट टाइम्स तक कैसे चलता रहेगा ये? अब आपको 4 डेसिमल प्लेस तक कह रहा है तो ये नंबर लेना है, आपको 3 डेसिमल प्लेस तक कह रहा है तो ये नंबर लेना है, आपको 5 डेसिमल प्लेस तक कह रहा है तो ये नंबर लेना है, उसने 4 डेसिमल प्लेस कहा है तो आप कौन सा नंबर लोगे, 4.2626, इतना नंबर ले लोगे,
इतना नंबर लेके और उसको फिर चार डेसिमल प्लेस है तो कितनी बार नंबर लाइन बनेगी, कितनी बार बनेगी, चार, पांच बार नहीं चार बार ही बनेगी। चलो अभी डिस्कस करते हैं, एक बार तो फोर और फाइव वाली, चलो देखो देखो एक बार फोर और फाइव वाली, इसके अंदर कहीं ना कहीं 4.2 और 4.3 मिलेगा, अगली में 4.2 और 4.3 वाली, राइट, उसके अंदर 6 लिखा हुआ है, चाबी ये ले लो यहां से, ताला नहीं है लेकिन मेरे पास, ताला आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई करेंगे तो इसके आगे इसके बीच में मुझे कहीं ना कहीं नंबर मिलेगा 4.26 और 4.27, फिर तीसरी स्टेप में इन्हीं दोनों नंबर को फिर से मैग्नीफाई, इसके अंदर तो कौन सा मिला था 4.2 और उसके अगला 4.3, फिर तीसरी स्टेप में 4.27 और 4.27 को मैग्नीफाई करेंगे, उसके अंदर जो मुझे नंबर मिलेगा वो मिलेगा मुझे 2622, क्योंकि इसके आगे 2626 है ना, तो 2 लेना है आपको, 262 और 4.263। अब फोर्थ स्टेप में फिर आप मैग्नीफाई करोगे 4.262 और 4.263 को, तो उसके अंदर फाइनली यू विल गेट योर आंसर 4.2626 आंसर, 6 भी मिलेगा 7 भी मिलेगा बट ये आपका आंसर, तो चार बार ही आपको एक्सपेंड करना पड़ा, समझ आया, ठीक है करो करो, कट गई तो क्या हुआ, चलो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, फिर